नमस्कार, कैसे आप लोग। चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में अमर्त्य सेन को, उनकी कैपेबिलिटी अप्रोच को, नीति न्याय कंसेप्ट को, उनके जो कंसेप्ट दिया है, जो आइडिया ऑफ जस्टिस उन्होंने थ्योरी दी है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है, उसकी एप्लीकेशन क्या एक्चुअल में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी से। स्टोरी है तीन बच्चों की, ए बी सी, और एक बांसुरी, एक फ्लूट है बजाने के लिए। तो ए कहता है कि बांसुरी मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि उसे वो बजानी आती। ओके, बी कहता है कि वो बांसुरी उसे मिलनी चाहिए क्योंकि वो गरीब है और उसके पास कोई और खिलौना है ही नहीं। सी कहता है कि वो बांसुरी मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि वो उसकी है। ओके, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बांसुरी मिलनी किसे चाहिए, और बांसुरी एक ही है। ए को, जो कह रहा है कि उसे बजानी आती है, बी जो कह रहा है वो गरीब है उसे मिलनी चाहिए, सी जो कह रहा है उसकी प्रॉपर्टी है। ओके, तो क्वेश्चन है, जरा सोचिए क्या होना चाहिए, किसको मिलनी चाहिए। तो आंसर मिला आपको, आई होप थोड़ी सी तो डिफिकल्टी हुई होगी, लेकिन आपने आंसर सोच लिया होगा। लेकिन ये काम आप करना, आप यही स्टोरी अपने दोस्तों से पूछना, पेरेंट्स से पूछना, तो आप पाओगे कि इसका आंसर अलग अलग होगा, सेम नहीं होगा। यही बात अमर्त्य सेन कह रहे हैं। अमर्त्य सेन आर्गू दैट हु गेट्स द फ्लूट डिपेंड ऑन द फिलोसफी ऑफ जस्टिस। पर्सनल पर्सपेक्टिव है, हर इंसान का अलग अलग होगा। कुछ लोग कहेंगे बी को, बी द पोरेस्ट विल हैव द सपोर्ट ऑफ इकोनॉमिक इगैलिटेरियन। द लिबर्टेरियन वुड ऑप्ट फॉर सी। द यूटिलिटेरियन आर्गू फॉर ए बिकॉज शी विल गेट द मैक्सिमम प्लेजर एज शी कैन प्ले द इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो अमर्त्य सेन का पर्पस यहीं पे यही है इस स्टोरी से, कि भाई कोई भी सिंगल थ्योरी ऑफ जस्टिस पॉसिबल नहीं है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो। सेन स्टेट दैट देयर इज नो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट दैट कैन हेल्प अस टू रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट इन अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जस्ट मैनर। दिस सपोजिटली शो दैट देयर इज नो सिंगल थ्योरी ऑफ जस्टिस, रादर वन शुड लुक एट द एनहांसिंग द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ सेविंग गुड एंड रिमूविंग इनजस्टिस। ही डिडंट ट्राई टू प्रोवाइड एन आइडियल एंड यूनिवर्सल थ्योरी, ही प्रेफर टू बी मोर रियलिस्टिक। उसने ये बात बोली है कि भाई हम क्यों इस चीज में जाएं कि हमें एक थ्योरी बनानी, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस बनानी जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हो, जब ऑलरेडी हमें पता है हमारे आसपास कितनी अनजस्ट चीजें हो रही है। तो रादर देन थ्योरी ऑफ जस्टिस बनाने के लिए क्यों ना हम एक जस्ट सोसाइटी क्रिएट करें। जरा अपने आसपास देखिए कि क्या क्या इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, चाइल्ड लेबर कह सकते हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो, वुमेन बेस्ड, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हो, ये सारी हमें पता है ना चीजें अनजस्ट है। अगर हम, अमर्त्य सेन यही कह रहे हैं, अगर हम इन सभी चीजों को जो अनजस्ट हो रही है हमारे आसपास उनको देखें और उनको रिमूव करना स्टार्ट कर दें, तो हम इवेंचुअली एक जस्ट सोसाइटी की तरफ पहुंच जाएंगे। तो हमें जस्टिस थ्योरी की जरूरत है ही नहीं, सिंपल सी बात है। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज इम्पॉसिबल टू क्रिएट अ ट्रांसेंडेंटल थ्योरी, दो स्टोरी ऑफ थ्रू स्टोरी ऑफ ए बी सी ही ब्यूटीफुली एक्सेम्पलीफाई द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड कॉन्फ्लिक्टेड डिमांड ऑफ वैलिड क्लेम्स। हर कोई अलग अलग कहेगा, ए को मिलनी चाहिए, बी को मिलनी चाहिए, सी को मिलनी चाहिए। रादर देन अमर्त्य सेन कह रहा है भाई छोड़ो इस चीज को, आपके आसपास जो इनजस्टिस हो रहा है उसको खत्म करो, हम इवेंचुअली जस्ट सोसाइटी की तरफ पहुंच जाएंगे। क्यों चाहिए थ्योरी ऑफ जस्टिस, नहीं चाहिए। आपके सामने एक इमेज है, कुछ बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, इसके बारे में कुछ सोचते हैं, क्या इन्हें खाना मिल रहा होगा, मिल रहा होगा, लेकिन बस इतना कि इनका पेट भर जा रहा है। ठीक है, फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं इनकी एजुकेशन, काम कर रहे तो एजुकेशन भी नहीं मिल रही होगी इनको, डेफिनेटली सी बात है। प्लेइंग टाइम वो तो भूल ही जाए बेचारे, अब इतना काम करके कहाँ ही खेल पाएंगे, चांस ही नहीं खेल पाएंगे। ओके, तो ये चीज भी खत्म हो गई है। बॉडीली इंटीग्रिटी, बॉडीली इंटीग्रिटी मीन्स कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे हैं। चाइल्ड अब्यूज हो गया, कोई इन्हें थप्पड़ मार रहा है, कोई पीट रहा है, ठीक है, सेक्सुअली अब्यूज कर रहा है, क्या ये अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो भी कम ही चांसेस है। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट इन बेचारों को तो पता ही नहीं होगा वो होता क्या है। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं, क्या ये बच्चे, अगर मान लीजिए इनमें से कोई बच्चा कुछ सोचता है बनने के लिए कि भाई लेटर ऑन मुझे लाइफ में ये बनना है, क्या ये बन पाएंगे। और ये मैंने कुछ ही चीजें, कुछ ही डायमेंशन रखी हैं, इसके अलावा और बहुत सारी डायमेंशन है। ठीक है, घर पे इनको कैसे ट्रीट किया जा रहा है, माँ बाप इनको कैसे रखते हैं, ठीक है, उनको प्यार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो ये बच्चे लैक करते हैं। कैपेबिलिटी अप्रोच, कैपेबिलिटी क्या है, कैपेबिलिटी आती रियल फ्रीडम्स, मैंने वर्ड यूज किया रियल फ्रीडम, ओके, रियल लगाया, दैट पीपल हैव टू अचीव देयर पोटेंशियल डूइंग एंड बीइंग। मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको उसका कोई गोल है, वो अचीव करना चाहता है, तो वो रियल फ्रीडम हो, ठीक है, वो उसके पास पोटेंशियल है, लेकिन वो उस पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसके पास वो सारे नेसेसरी मींस अवेलेबल है कि नहीं है। मान लीजिए मुझे कोई बच्चा है, उसको क्रिकेटर बनना है, तो उसके लिए उसे क्या क्या चाहिए होगा,
ठीक है, उसका घर का माहौल डेफिनेटली अच्छा होना चाहिए, उसके पेरेंट्स उसे सपोर्ट करते हो, उसकी इस ड्रीम को सपोर्ट करते हो, उसे अच्छा खाना मिलता हो, अच्छी डाइट मिलती हो, ओके, उसकी हेल्थ अच्छी हो, उसको एजुकेशन मिलती हो, एक बेसिक एजुकेशन जो हर एक को मिलनी चाहिए, ठीक है, उसके अलावा वहां पे क्रिकेट ग्राउंड हो और कोच अवेलेबल, ये सारी चीजें, और भी चीजें आप सोच सकते हैं अलग अलग डायमेंशन में, तब वो बच्चा कैपेबल है, ठीक है, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने का। वो अलग बात है वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, लेकिन पहली जो नेसेसिटी है वो ये है कि उसके पास ये सारे नेसेसरी मींस अवेलेबल है कि नहीं है। ओके, यहाँ पे अमर्त्य सेन यही बात कह रहा है। जस्ट मैंने आपको एक इमेज दिखाई है प्रीवियस स्लाइड में, क्या वो बच्चा कर सकता है? 99.99% नहीं, 1.01% कह रहा हूं मैं। वो इसलिए कि कुछ बच्चे होते हैं जो निकल जाते हैं, एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, कुछ करते हैं या लक साथ देता है, कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। लेकिन अगर हम इतने सारे बच्चे हैं जो गरीब बच्चे हैं, कितने निकलते हैं? नहीं निकल पाते, ये सच है। तो यहाँ पे अमर्त्य सेन यही कहता है, कैपेबिलिटी अप्रोच की बात यही है कि एक बच्चे के पास रियल फ्रीडम हो, उसके पास सब नेसेसरी मींस अवेलेबल हो, जो वो बनना चाहता है, जो वो करना चाहता है। ओके, अब की टर्म्स की बात करते हैं जो कैपेबिलिटी अप्रोच में है। द फोकस ऑन कैपेबिलिटीज, द कैपेबिलिटी अप्रोच एम्फेसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट पीपल कैन डू रादर देन जस्ट लुकिंग एट देयर इनकम और वेल्थ। दिस इंक्लूड द एबिलिटी टू फंक्शन इन वेरियस डोमेन सच एज हेल्थ, एजुकेशन, पोलिटिकल पार्टिसिपेशन। ये सारी चीजें, हेल्थ, एजुकेशन, पोलिटिकल पार्टिसिपेशन। अब बात करते हैं गवर्नमेंट के रोल की। गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, जो कंडीशन क्रिएट करनी है वो गवर्नमेंट ही क्रिएट कर सकती है। अब हम सभी को पता है बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है, बनाई है गवर्नमेंट ने लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जैसे मिड डे मील स्कीम है बच्चों के लिए है, ठीक है, उज्ज्वला स्कीम है, और आपकी होगी मनरेगा स्कीम है, फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये सारी की सारी स्कीमें अच्छी हैं, नो डाउट, इसमें कोई दोराई नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लूप होल है, ये अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है, यही रीजन है हम अभी भी पीछे हैं, इतने सारे लोग गरीब हैं, यही रीजन है। तो गवर्नमेंट का रोल साथ में ये नहीं कि जस्ट स्कीम बना दिया, नहीं सर, उसको आप देखो इंप्लीमेंट करो अच्छे से ग्राउंड लेवल पे, तब पॉसिबल हो पाएगा, और एक होलिस्टिक मैनर में करना पड़ेगा, मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लानी पड़ेगी। आप सिर्फ एक खाना देना सफिशियंट नहीं है, अच्छी हेल्थ देना सफिशियंट नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो एक प्रॉपर वेलबींग, एक पर्सन की वेलबींग के लिए चाहिए, ठीक है। द कैपेबिलिटी अप्रोच इज मल्टी डायमेंशनल, रिकॉग्नाइज द वेलबींग इज डिटरमाइंड बाय मल्टीपल फैक्टर, दैट दिस फैक्टर आर इंटर रिलेटेड है। दिस अप्रोच कंसिडर इकोनॉमिक, सोशल, पोलिटिकल एस्पेक्ट टूगेदर टू एंश्योर अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेलबींग। नीति एंड न्याय, नीति क्या है? अगर मैं आपको सिंपल टर्म में समझाऊं, नीति है गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जस्टिस के लिए, ठीक है। अगर आप कहोगे, गवर्नमेंट के पास जाओगे, उनसे पूछोगे, क्वेश्चन करोगे, सर क्या जस्टिस मिल सकता है इंडिया में, वो कहेंगे बिल्कुल मिल सकता है। आप जाइए पुलिस स्टेशन में, FIR रजिस्टर कराइए, उस पर काम होगा, ठीक है, फिर जो होगा अपराधी होगा, जो क्रिमिनल होगा, उस पर केस किया जाएगा, और वहां पे जो जज बैठे हैं उसको प्रोसिक्यूट करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता है नहीं, ये है न्याय। तो नीति एंड न्याय में ये डिफरेंस है, नीति है गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू जस्टिस का, जस्टिस कैसे देख रही है, और उनके हिसाब से तो मिल भी रहा है, ठीक है। न्याय है एक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ जस्टिस, ओके। नीति ट्रांसलेटेड एज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोप्राइटी एंड करेक्टनेस रेफर टू द इंस्टीट्यूशन दैट शुड बी क्रिएटेड इन ऑर्डर टू हैव अ जस्ट सोसाइटी। नीति डील विद जस्ट रूल एंड इंस्टीट्यूशन एंड द राइट थिंग टू डू, एंड न्याय इज अबाउट देयर एक्चुअल रियलाइजेशन। नीति इज एन एब्स्ट्रैक्ट एक्सरसाइज दैट इफ इंप्लीमेंटेड कंप्लीटली वुड रिजल्ट इन मैक्सिमम पब्लिक वेलफेयर एंड जस्टिस। ये तो सच है, अगर ट्रू सेंस में जो रूल रेगुलेशन है वो इंप्लीमेंट हो जाए तो डेफिनेटली वो है, लेकिन ऐसा नहीं होता ना, ट्रू सेंस में तो नहीं होता इंप्लीमेंट। न्याय ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। आपको मैं दो एग्जांपल देता हूँ नीति न्याय के। देखो, पहला है, वी हैव लॉज, फंडामेंटल राइट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट एडवांस शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज, है ना, लॉज भी है, सब कुछ है। वी हैव डेडिकेटेड स्कीम फॉर देम, वो भी है, ये है नीति। So why do they continue to face so many challenges? This is न्याय। Discrimination अभी भी होता है, सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या है न्याय? क्या उन्हें justice मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो actual realization of justice would be न्याय। Example of न्याय, ये बड़े selective example है, selective in the sense कुछ ही pocket में India में आपको देखने मिलेंगे कि actual में काम किया जा रहा है, ओके, actual में काम किया जा रहा है, तो इसको मैं न्याय consider करूंगा। जैसे एक सिंपल सा example अभी recent news में था,
तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हायर स्टडीज एंड बैंक लोन टू सेट अप स्मॉल स्केल बिजनेस टू शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब पीपल, दिस इज बीइंग अंडरडन नवोद्यम स्कीम। ओके, तो ये बड़ी अच्छी चीज है, यहाँ पे ये कैपेबिलिटी अप्रोच से हम इसको लिंक कर सकते हैं, ठीक है, कि अब उनके लिए स्पेशल असिस्टेंट किया जा रहा है उनके पास, मतलब कहने का ये मतलब है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है स्पेशल उनके पास जा रहा है उनको हेल्प करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम सुन रहा है एक्चुअल में जो उन्हें चाहिए। तो ये है एग्जांपल ऑफ न्याय का। अब बात करते हैं एप्लीकेशन की, अमर्त्य सेन की कैपेबिलिटी अप्रोच और ये जो न्याय है, नीति एंड न्याय, इस कंसेप्ट को यूज कैसे किया जा सकता है। सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करते हैं, क्राइटेरिया टू मेजर द ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज जीडीपी, बट अकॉर्डिंग टू अमर्त्य सेन जीडीपी डजंट शो द ट्रू पिक्चर। ये बिल्कुल सही है, ठीक है, जीडीपी हमारा किस चीज किस टर्म में होता है, मनी के टर्म में होता है, पैसों के टर्म में होता है, भाई कितना ग्रो किया है, ठीक है। आप ये चीज तो देख ही नहीं रहे हैं कि लोगों का क्या हाल है वहां पे, लोग ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ओके, इंडिया ग्रोथ रेट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, बट स्टिल एटलीस्ट 1/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन इज बिलो द पॉवर्टी लाइन। द लो लिटरेसी रेट अमंग पुअर स्टेट, मालन्यूट्रिशन चिल्ड्रन, लेसर अपॉर्चुनिटी टू फॉर गर्ल्स शो रियल एपैथी। ये सच है, क्या करेंगे ऐसी जीडीपी का जब ये सारे हालात है, कोई फायदा नहीं है ना। जब ये सभी लोग ग्रो करेंगे तब एक्चुअल ग्रोथ होगी किसी कंट्री की। अकॉर्डिंग टू हिम द ट्रू मेजर ऑफ सोसाइटी कैन बी सीन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई। जब इंडिया एचडीआई में परफॉर्म करेगा उस दिन समझ लेना इंडिया एक्चुअल में ग्रो कर रहा है। इंडिया हैज एक्सटेंसिव सोशल स्कीम फॉर पुअर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप एंड वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्टिल इंडिया परफॉर्म पुअरली इन एचडीआई। क्या रीजन है, क्योंकि वो रियल में ये जितनी भी स्कीम्स है इंप्लीमेंट होती नहीं है, ओके, पेपर पे है, सिर्फ पेपर पे। अगर रियलिटी में, और मान लीजिए जो थोड़ी बहुत इंप्लीमेंट हो रही है, जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, मिड डे मील स्कूल है, वहां पे आपने कभी क्वालिटी ऑफ फूड देखी है जो बच्चों को मिल रही है, अच्छी नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। इफ एनी कंट्री इज परफॉर्मिंग वेल इन एचडीआई, इट्स सिटीजन हैव अ ट्रू कैपेबिलिटी टू चूज व्हाट दे वांट टू डू। जो उनका नीति एंड न्याय कंसेप्ट है उसको कैसे यूज किया जा सकता है, नीति रूल एंड रेगुलेशन डेफिनेटली बनाती है, लेकिन ग्राउंड पे वो इंप्लीमेंट हो रहे कि नहीं हो रहे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस चीज को देखना है कि जो रूल बनाए हैं, जो स्कीम बनाई है, जो डेडिकेटेड स्कीम बनाई है, वो लोगों तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी कितनी है ट्रू सेंस में, ठीक है, बस नाम के लिए भी पेपर पे हाँ भाई इतने लोग मिल गए हैं। मनरेगा में जैसे आपने देखा वो बहुत घोटाला होता है, पहले होता था, अब तो फिर भी काफी ट्रांसपेरेंसी आ गई है कि फर्जी नेम है उसमें, एक्चुअल में जो काम है किसी और को दिया ही नहीं गया, मिला ही नहीं काम है, और उनके पैसे कौन गबन कर गए हैं, किसने, करप्ट ऑफिशियल्स ने। ओके, इस चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर जो नीति है, जो रूल एंड रेगुलेशन है, अगर वो एक्चुअल उसमें जिस रियलाइजेशन, जिस इंटेंट से वो पार्लियामेंट पास हुए वो एग्जीक्यूट हो जाए, तो कहीं ना कहीं एक एथिकल गवर्नेंस अचीव करने में हेल्प करेगा। एथिकल गवर्नेंस हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आप जब मैं पढ़ा दूंगा उसके बाद इस चीज पॉइंट को रीड करोगे आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, फॉर सिविल सर्वेंट इट्स रेलेवेंस टू एग्जीक्यूट पॉलिसी फॉर वल्नरेबल सेक्शन इन ट्रू सेंस, जस्ट नॉट ऑन पेपर। व्हेन एनी मेंबर ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सफर्ड बिकॉज ऑफ सम पावरफुल पर्सन, ही और शी शुड बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ विदाउट एनी लैक्सिटी। ये सबसे ज्यादा देखा जाता है, जो गरीब है, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब पीपल है, किसी मॉब लिंचिंग हो रही है, कोई कैसे मर रहा है, ठीक है, और उनको जस्टिस मिलता नहीं है। कुछ लड़कियों का रेप हो जा रहा है, कोई पावरफुल बंदा है, वो बेचारी कोर्ट तक नहीं पहुंच पा रही, उससे पहले उसे मार दिया जाता है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये है यहाँ पे न्याय लैग करता है। तो अगर न्याय को एक्चुअल रियलाइजेशन जो हम कह रहे हैं अगर वो करना है तो ये होगा कि ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो ट्रू सेंस में। ओके, ये हुआ हमारा अमर्त्य सेन कंप्लीट। यहाँ पे हम कल से जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारी जो एथिकल थ्योरी है वो सब खत्म हो गई है। ओके, अगर आपको कोई डाउट हो फिर भी आप मुझसे पूछो कमेंट सेक्शन में, मैं आराम से बताऊंगा। और आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, वहां पे मैं न्यूज भी अपडेट करता हूँ, वहां पे मेरे नोट्स फ्री में अवेलेबल है, वो आप पढ़िए। ये सारी की सारी जो पीपीटी मैंने बनाई वो वहीं से बनाई है। ओके, तो लिखने की जरूरत नहीं, नोट करने की जरूरत नहीं, जस्ट आप सुनिए इस लेक्चर को और वहां से पढ़िए। ओके, सो थैंक यू, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।